सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसी ब्रांड न्यू स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग, जो कि है यहाँ पर माइक्रोमैक्स की तरफ से माइक्रोमैक्स इन वन बी। और इसको मैंने परचेस किया है 8000 रुपये का फ्लिपकार्ट से। और ये जो है वो 4GB 64GB वाला वेरियंट है। इससे नीचे वाला वेरियंट मुझे मिला नहीं और मैं उसको परचेस भी नहीं करने वाला था, क्योंकि वो एंड्रॉयड गो एडिशन के साथ चलता है और ये फुल फ्लेज्ड एंड्रॉयड के साथ आता है। बट यहाँ पर मैंने इसको परचेस क्यों किया, क्योंकि मैं अपने कैजुअल यूसेज के लिए एक सेकेंडरी स्मार्टफोन को ढूंढ रहा था और माइक्रोमैक्स इन वन बी से अच्छा मुझे कोई स्मार्टफोन लगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसको परचेस किया। और आज की इस वीडियो में मैं करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ दूंगा मैं इसका एक फर्स्ट इंप्रेशन, ताकि आपको पता चल सके कि क्या ये स्मार्टफोन वाकई में खरीदने लायक है कि नहीं। आप इसे फुल रिव्यू मत समझिएगा, क्योंकि मैं 24 घंटे बाद एक वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें मैं अपने यूजर एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगा। उससे क्लियर आइडिया लग जाएगा कि आपको ये परचेस करना चाहिए कि नहीं, और इससे रिलेटेड और भी काफी वीडियोस आने वाली हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूं, फिर शुरू करता हूं मैं अपना फर्स्ट इंप्रेशन। गाइस, ये है यहां पर माइक्रोमैक्स इन वन बी का बॉक्स। सामने की तरफ आप देख रहे होंगे कि 1B लिखा हुआ है, 64GB वाला ये वेरिएंट है। और मैं जब इसको परचेस कर रहा था तो मुझे 2GB वाला वेरिएंट नहीं मिला, मैं उसको परचेस भी नहीं करने वाला था। और यहाँ पर हमको पीछे की तरफ कुछ इसके हाइलाइटिंग फीचर्स के बारे में बताया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। और अब फटाफट से हम इसके पैकेज को ओपन करते हैं, तो यहाँ से मैं एक कट लगाता हूँ। ये सील पैक होकर आया है, कहीं से भी कोई कटआउट वगैरह नहीं दिख रहा है। तो अब मैं जल्दी से एक कट लगाता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसके बॉक्स के अंदर हमको क्या कुछ देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पर दो कट लगा दिया है और अब देखने की बारी है कि हमको इसके अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। और ये हो गया स्मार्टफोन, और जो मुझे दिख रहा है पहली नज़र में, तो ये जो स्मार्टफोन है वो फ्रेश ही लग रहा है मुझे। कहीं से भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि सेकेंड हैंड स्मार्टफोन मुझे पकड़ाया गया है। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि सब कुछ फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है, कहीं से भी कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं दी। और यहां पर आप पीछे की तरफ भी देख रहे होंगे, तो यहां पर ये है इन वन बी का फर्स्ट लुक। तो अब हम इसको कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमको और कुछ क्या दिया गया है। तो इस सेक्शन में हमको यहाँ पर रखा हुआ मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सिम इजेक्टर पिन। और यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया गया है, जिसको हम अपने से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल दिया गया है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ हमको एक टाइप ए टू टाइप सी पोर्ट दिया गया है, और साथ ही साथ हमको यहाँ पर 10 वाट का एक चार्जिंग अडेप्टर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर में मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर हमको एक स्क्रीन गार्ड भी मिलता है, बट यहाँ पर मैं स्क्रीन गार्ड लगाने में इतना बुरा हूँ कि मुझसे सही से ये फिट नहीं हो पाया है। तो मैं इसको हटाकर एक टेम्पर ग्लास मंगवा लूँगा। और यहाँ पर पीछे की तरफ हम इसके नज़र डालते हैं, तो यहाँ पर हमको कुछ पॉलीथीन वगैरह लगा कर दिए गए हैं, तो हमको यहाँ से इनको साइड में हटा लेते हैं। इसको भी हम यहाँ से पील आउट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ टेक्सचर फिनिश आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे पास से, तो यहाँ पर एक टेक्सचर टाइप की फिनिश दी गई है। आपने एक चीज़ नोटिस किया कि बॉक्स के अंदर हमको कोई भी यहाँ पर बैक कवर देखने को नहीं मिलता है। तो बैक कवर मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया था फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों से, तो यहाँ पर मैं फटाफट उनकी भी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया बैक कवर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है एक प्लास्टिक बैक कवर इसी माइक्रोमैक्स इन वन बी के लिए। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मुझे 129 रुपीज़ का पड़ा था। तो ये एक सिलिकॉन बैक कवर है, नॉर्मल सा एक टीपीयू केस है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से ये इसमें फिट हो गया है और काफ़ी टैक्टाइल फील है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर सब कुछ, मतलब जो भी इसका कटआउट है वो काफ़ी प्रिसाइज है, तो ये ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने इसका दूसरा एक बैक कवर मंगवाया था, वो यहाँ पर उसको भी मैं एक बार निकाल लेता हूँ। तो उसको मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मुझे कुल मिलाकर 199 रुपीज़ का पड़ा था। तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बैक कवर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था जब मैंने इसको परचेस किया। तो हाँ, वाकई में इसका जो कटआउट वगैरह है और जो भी यहाँ पर बटन्स वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से क्लिकी हैं, बट बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कट की गई हैं। तो अब हम इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं और अब यहाँ पर मैं आपको इसका फिजिकल ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं डिस्प्ले। तो हमको यहाँ पर 6.52 इंच की एक HD प्लस की डिस्प्ले दी गई है, और साथ ही साथ हमको यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक गूगल असिस्टेंट के लिए एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है, और साथ ही साथ हमको दिया गया है एक सिम ट्रे, जिसका कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड स्लॉट दिया गया है। राइट साइड में अगर आप देख पा रहे होंगे, तो एक वॉल्यूम अप एंड डाउन की दी गई है, साथ ही साथ हम
हमको यहाँ पर एक पावर लॉक और लॉक बटन दिया गया है। ऊपर की तरफ हमको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है और नीचे की तरफ हमको दिया गया है एक 3.5 mm ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन और USB टाइप सी का पोर्ट। और पीछे की तरफ अगर आप देख पा रहे होंगे तो पीछे की तरफ हमको डुअल रियर कैमरा दिया गया है, एक है 13 MP का, दूसरा है एक 2 MP का कैमरा। और नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे तो कैमरा नहीं, ये F1.8 लिखा गया है, साथ ही साथ एक LED फ्लैश दी गई है। और इस प्राइस रेंज के अंदर जो सबसे रेयर चीज है वो है यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। अब मैं इसको कुछ देर यूज करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो अनबॉक्सिंग वीडियो तो देख ली होगी आपने इसी माइक्रोमैक्स N1B की। अब यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में बताऊँ तो जब मैंने पहली बार ये स्मार्टफोन को हाथ में लिया तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये 5000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन है, क्योंकि ये बिल्कुल भी भारी स्मार्टफोन नहीं है, अंडर 200 ग्राम वाला स्मार्टफोन है। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये काफ़ी हैंडी स्मार्टफोन है और ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा ये मुझे स्मार्टफोन दिखा। और डिस्प्ले की बात करूँ फर्स्ट इंप्रेशन में तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि इसका डिस्प्ले HD के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। जितने भी मैंने स्मार्टफोन को अनबॉक्स किया है इस बीच में, रियलमी हो चाहे रेडमी हो चाहे पोको हो, उससे तो इसका डिस्प्ले मुझे यहाँ पर काफ़ी ठीक ही ठाक लग रहा है, क्योंकि इसमें HD+ का पैनल दिया गया है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो मुझे इससे नहीं थी, बट यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन पर ये काफ़ी खरा उतरता है ये दिख रहा है। और ये कहने का मतलब ये है कि इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा मुझे लगा और काफ़ी वाइब्रेंट है। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो स्पीकर वगैरह से भी काफ़ी अच्छी क्रिस्प और लाउड साउंड आ रही है और बैटरी वगैरह भी ठीक ठाक चल रहा है। तो फर्स्ट इंप्रेशन में ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलने लायक है। अब जब मैं इसको 24 घंटे तक यूज़ करूँगा तभी मैं आपको क्लियर बता पाऊँगा कि इसमें और कुछ क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो 24 घंटे बाद मेरे चैनल पर आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसका फुल रिव्यू 24 घंटे बाद मेरे चैनल पर आ जाएगा, तो उस वीडियो को आप चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।